हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इससे पहले हम 9 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और पढ़ाई। ठीक है, कई चीज़ें हमने स्किप भी करी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, क्योंकि काफ़ी डीप में जाके हमने उनको पढ़ा। 10वां चैप्टर हमारा वेब डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसे कि सभी जानते हैं कि DRDO की कोपा बच्चों के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस हैं। वैसे भी अगर आप ITI कर रहे हैं कोपा ट्रेड से, तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन वीडियोस में हम सिर्फ MCQ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम 10वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके सभी MCQs पे नज़र डालेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ वेब सर्वर। तो सबसे पहला सवाल है, वेब पेजेस आर डिज़ाइन प्राइमरली इन। वेब पेजेस किस में डिज़ाइन किए जाते हैं? HTML में। ठीक है जी, HTML लैंग्वेज होती है इसके अंदर। वेब पेजेस आर स्टोर्ड इन अ रिमोट होस्ट कॉल्ड द। अच्छा, वेब पेजेस जहाँ स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है जी। अच्छा, द क्लाइंट ऑफ अ वेब सर्वर यूजेस डैश फॉर डिस्प्ले ऑफ द पेज। अच्छा, ये होता है वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल किया जाता है वेब सर्वर के द्वारा। ठीक है। अच्छा, डैश इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ अ ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट। तो ये होता है वेब सर्वर इज़ द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ फुलफिल्स द रिक्वेस्ट ऑफ ब्राउज़र बेस्ड क्लाइंट। ठीक है, ब्राउज़र पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, तभी आप वहाँ पर वेबसाइट्स तक पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ पे हो जाता है अपाचे HTTP माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS IBM वेबफेयर एट्सेट्रा आर सम ऑफ द पॉपुलर। क्या है ये सब चीज़ें? क्या है ये सब? वेब सर्वर्स हैं। ठीक है, आपके IBM हो गया, HTTP हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट वगैरह। ठीक है। अच्छा, डैश इज़ द कॉन्सोर्टियम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम जो होता है, ये मेंटेन करता है जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको। अच्छा, W3C द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ वेब स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर। W3C का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। ठीक है, कॉन्सोर्टियम। वेब पेजेस कंटेनिंग स्क्रिप्ट टू बी प्रोसेस बाय द वेब सर्वर इन लैंग्वेज PHP हो गई, पर्ल हो गई, पाइथन हो गई, या ASP या .NET कुछ भी हो गया। ठीक है, आर सेड टू कंटेन डैश सेट साइड स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं इनको? सर्वर साइड स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल है आपका यहाँ, वेब पेजेस कंटेनिंग स्क्रिप्ट टू बी प्रोसेस्ड बाय द ब्राउज़र इन लैंग्वेज लाइक JavaScript, Visual Basic और .NET वगैरह आर सेड टू कंटेन डैश साइड स्क्रिप्ट। कौन सी साइड की ये स्क्रिप्ट होती है? ये होती है क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, वो वेबसाइट पे बैकेंड में की जाती है, और ये वेबसाइट पर एक क्लाइंट के लिए जो आप सीधा जो आप देखते हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस, इनके बारे में कुछ सवाल है। HTML की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML की फुल फॉर्म। वेब पेजेस विच डू नॉट चेंज टू इंटरेक्ट विद यूज़र आर कॉल्ड। जो वेब पेजेस डायरेक्ट यूज़र से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिक HTML पेजेस। ठीक है। अच्छा, वेब पेजेस जो होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं यूज़र से, उन्हें क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं डायनामिक वेब पेजेस। ठीक है, डायनामिक HTML पेजेस। अच्छा, डायनामिक HTML पेजेस जो होते हैं, उनके कोडेड जो यूजिंग होती है, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अडोब फ्लैश, VBS स्क्रिप्ट, या फिर JavaScript, किसी भी स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ स्क्रिप्ट कोड रिटन इन JavaScript VB स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड इन साइड अ ब्राउजर इज कॉल्ड डैश साइड स्क्रिप्ट। ये होती है क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डायनामिक पेजेस डिप्लॉय डैश टू क्रिएट डायनामिक इंट्रैक्शन। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती हैं डायनामिक पेजेस पे, जो कि जो भी आप चीज़ें बना रहे हो वो इंट्रैक्शन करती हैं सीधा आपके यूज़र से। ठीक है।
अच्छा DHTML की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है, ये होती है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CSS इज इन वेब स्क्रिप्ट स्टैंड फॉर, CSS की फुल फॉर्म पूछी गई है। CSS लैंग्वेज है आपको पता है जिसकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्या होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अल्टर द कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट, अल्टर द फॉन्ट साइज ऑफ डॉक्यूमेंट, अल्टर द डिफॉल्ट फॉन्ट फेसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों में आपको CSS मदद करता है। अच्छा डॉम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है जी। अच्छा द मेथड ऑफ ट्रीटिंग डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स लाइक इनपुट बटन वगैरह एज प्रोग्राम एलिमेंट इज कॉल्ड, इस टाइप के जो बटन वगैरह बनाए गए थे इनको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अजैक्स इज अ डैश साइड स्क्रिप्टिंग सिस्टम फॉर क्रिएटिंग यूजर इंट्रैक्शन, ये होती है सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। डायनेमिक वेब पेजेस प्रोवाइडेड इंट्रैक्शन थ्रू डैश, किसके थ्रू, इनपुट रिस्पॉन्स, कीबोर्ड रिस्पॉन्स या माउस, इन किसी के भी थ्रू आप रिस्पॉन्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू HTML, HTML का इंट्रोडक्शन पूछा गया है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर HTML डॉक्यूमेंट इज .html या .html, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, .htm या .html दोनों ही। अच्छा HTML में टैग जो होते हैं उनके बारे में यहाँ कुछ सवाल आ गए हैं, तो टैग किससे शुरुआत होता है, टैग की शुरुआत होती है आपकी डैश सिंबल, ये होता है आपके, ठीक है, टैग की शुरुआत इस टैग के साथ की जाती है। HTML टैग एंड्स, शुरुआत इससे होती है, और क्लोज टैग क्या होता है, ये होता है क्लोज टैग, ठीक है, बंद करना हो। तो यहाँ अगला सवाल है HTML कमेंट बिगिंस विद डैश सिंबल, HTML कमेंट किससे शुरू होता है, वो इस टाइप की सिंबल से शुरू होता है, और एंड किस टाइप के सिंबल से होता है, एंड होता है इस टैग से, ठीक है। अच्छा HTML वॉज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है आपका HTML, HTML बनाया गया है टीम बर्नर्स ली के द्वारा, ठीक है, टीम बर्नर्स ली के द्वारा। SGML स्टैंड फॉर, SGML की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा DTD स्टैंड इन मार्कअप लैंग्वेज, DTD का फुल फॉर्म पूछा गया है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DDL की फुल फॉर्म डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी, डाटा डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी। तो यहाँ अगला सवाल है, मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स हैव कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स विच बिगिंस द विद डैश सिंबल, कौन सा सिंबल होता है, ये होता है आपका ये वाला, ठीक है, जिससे शुरुआत होती है। ये सारे टैग्स के बारे में बताया गया है आपको HTML टैग्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर जो हम टैग्स यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा कौन सा टैग होता है HTML में जो एक्सप्लिसिट क्लोजिंग टैग देता है, और टैग में भी क्लोज्ड विद डैश सिंबल, कौन से सिंबल से क्लोज होता है ये टैग, ये होता है आपका हैश और स्लैश और ये ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा वेरियस टैग्स इन HTML, HTML में अलग अलग टैग्स के बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट इज कंटेंट्स इनसाइड, अगर कौन सा टैग लगता है अगर डॉक्यूमेंट्स हो किसी भी इसके अंदर, तो ये होता है आपका HTML ओपन देन HTML क्लोज टैग, ठीक है। अच्छा HTML में डॉक्यूमेंट हो और मेटा आइटम भी हो स्क्रिप्ट फंक्शन में, तो इसको इस टैग को क्या बोलते हैं, इस टैग को आप बोलते हैं हेड, ठीक है। और इसके अलावा डिस्प्ले हो रहा हो आपके पास टॉप में ब्राउज़र विंडो और ब्राउज़र टॉप इज़ इनक्लोज्ड, तो ये टैग कौन सा होता है, ये होता है आपका टाइटल टैग, ठीक है जी। अगला है द मेन पोर्शन ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट कंटेंस डैश बिटवीन टैग्स, अच्छा मेन पोर्शन जो होता है वो किस कौन से टैग्स के बीच में होता है, ये होता है आपका बॉडी टैग के अंदर, ठीक है जी, बॉडी टैग के अंदर होता है। अच्छा कंटेंट क्या होता है, पैराग्राफ, ये कौन से टैग में होता है, ये होता है पैराग्राफ पी, ठीक है। अच्छा एलिमेंट्स जो दिए गए होते हैं अलाइनमेंट के, अलाइन करने के लिए ब्राउज़र को डिस्क्लोज करने के लिए, ये कौन से टैग में होता है, ये होता है आपका बी सेंटर और डिव अलाइन, ये वाले टैग में, ठीक है।
अच्छा, अलाइनमेंट जो दिए गए होते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट वगैरह वगैरह, ये कौन से टैग में होता है आपका? जी ये होता है आपका डिव अलाइन लेफ्ट डिव, ठीक है इसमें। अच्छा, अलाइनमेंट जो राइट साइड के लिए दिया गया हो, इसमें कौन सा होता है आपका? डिव अलाइन राइट डिव, ठीक है। और अलाइनमेंट जो जस्टिफाई हो वो कौन सा होता है? ये होता है आपका डिव अलाइन जस्टिफाइड, ठीक है। डैश टैग डिस्प्लेज एन इमेज इन HTML पेज, कौन सा टैग होता है? ये होता है इमेज src फाइल डॉट jpg, ठीक है जी। अगला सवाल है यहाँ आपका, सारे टैग्स के बारे में आपको बताया गया है HTML के, ठीक है। अगला सवाल है डैश टैग HTML डिस्प्लेज द टेबल विदाउट ऑर्डर, टेबल दिखाता है वो भी विदाउट ऑर्डर, कौन सा टैग होता है? ये होता है आपका टेबल बॉर्डर ज़ीरो और टेबल, ठीक है, ये वाला टैग होता है। अच्छा, कौन सा टैग होता है जो क्रिएट करता है क्लिकेबल हाइपरलिंक नेविगेशन इन साइड सम पेज सेम पेज बिटवीन डिफरेंट पेजेस? हाइपरलिंक देना हो किसी पर तो क्या, कौन सा आप टैग यूज़ करते हैं? यहाँ आप करते हैं जी ये AHREF और target.html, देन इसको क्लोज करते हैं ए से, ठीक है, ए वाले टैग से। HTML टैग डिस्प्लेज अ टेबल विद बॉर्डर थिकनेस ऑफ 1 pixel, तो ये कौन सा टैग होता है? ये टैग होता है आपका टेबल बॉर्डर 01, टेबल बॉर्डर 1 और टेबल, देन क्लोज टैग करो। उसके बाद कंट्रोल करता है फॉन्ट फेस साइज वगैरह, ये कौन सा टैग होता है? यहाँ ये टैग होता है आपका फॉन्ट फेस एरियल साइज वगैरह, जो भी हो कलर आपका रेड और फॉन्ट का क्लोज कर देंगे टैग। अच्छा, हेडिंग जो देते हैं लार्जेस्ट साइज की HTML में डिस्प्ले करता है, ये कौन सा टैग होता है? ये होता है आपका H1 और H1 की क्लोज हेडिंग, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ, डैश HTML टैग डिस्प्लेज हेडिंग ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट साइज। अच्छा, सेकेंड लार्जेस्ट साइज जो होता है वो कौन से टैग से यहाँ पे दिखता है आपके HTML में? ये होता है आपका H2 से, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ, डैश HTML टैग थर्ड टाइम पे कौन सा साइज आता है? H3 आ जाता है। इसी तरीके से आगे पूछा गया, सबसे छोटा साइज होता है H1 हेडिंग होती है वो, ठीक है। और HTML टेक्स्ट साइज पूछा गया है, रिप्रेजेंट करता है द नॉर्मल साइज ऑफ टेक्स्ट, कौन सा साइज? 0 साइज को रिप्रेजेंट करता है। द HTML 5 फॉन्ट टैग हैज़ बिन डैश, क्या होता है? ये होता है डीप्रिकेटेड, ठीक है, डीप्रिकेटेड। इसी तरह से HTML में इतने डीप में जाके आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप इन सवालों को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में नहीं समझा रही हूँ ये सवाल, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो HTML पे आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के दूंगी, उसमें आपको एक ही चीज़ समझाऊंगी। अच्छा, कलर कोडिंग से रिलेटेड एक दो सवाल आप यहाँ देख लीजिए। कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग कलर नेम लाइक रेड ग्रे ब्लू और ये सब चीज़ें जो होती हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में होती हैं। कलर ऑर्डर क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, कलर कोड जो होता है ये FF, ये 00, ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये थोड़े बहुत पता होना चाहिए, ये होता है रेड कलर के लिए होता है। ये कोड डाल देंगे तो वो उस फॉन्ट में या उस चीज़ में आपको रेड कलर शो करेगा HTML लैंग्वेज में, ठीक है। और 00 FF 00 जो होता है ये होता है आपके ग्रीन के लिए, ठीक है। अच्छा, 4 times 0 देन F लगाएंगे तो ये हो जाता है ब्लू कलर, ठीक है। और 000 जो हो जाता है ये हो जाता है आपका ब्लैक, और FFF जो हो जाता है ये हो जाता है अपोजिट इसका वाइट, ठीक है। इसी तरह से HTML में जो 2-digit कलर कोड होते हैं वैल्यू लाइक फ्रॉम 00 to - इन hexadecimal कितने में होती है? ये FF से होती है, ठीक है। 00 होते हैं और FF होते हैं, ठीक है। डैश टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट HTML pages in single window, not recommended for mobile viewing, ठीक है। तो यहाँ पे framesit होती है जो टैग होता है वो डिस्प्ले करता है HTML के डिफरेंट पेजेस को सिंगल विंडो में, ठीक है। अच्छा, विथ के एलिमेंट लाइक इमेजेस टेबल वगैरह के लिए कंट्रोल यूजिंग डैश एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है? विद का किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एलिमेंट इमेज वगैरह के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है इनकी हाइट के लिए? तो ये होता है हाइट कौन सा होता है?
हाइट, ठीक है। अच्छा, विद एंड हाइट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड डैश इन पिक्सल, परसेंटेज बताई जाती है पिक्सल्स की इसकी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं HTML के टैग एक बार फिर से, ठीक है। डैश कौन सा टैग होता है जो कि आपकी .jpg का 80% द टोटल विद अवेलेबल इन द ब्राउज़र करता है, ये होता है आपका BR टैग होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले करता है। इसी तरह के HTML के और भी टैग दिए गए हैं, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत डीप में जाके सवाल है। तो टेबल के लिए आप देख लीजिए, टेबल के लिए कौन सा टैग आपको यहाँ दिया गया होता है, टेबल के लिए होता है TR टैग, ठीक है जी। इसी तरह से टैग जो दिया गया होता है टेबल के लिए 1 pixel, ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। टेबल के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, कलर के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, फ़ॉन्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, इस तरीके से बस। इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि और इसके अलावा अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आपके एग्ज़ाम से पहले ही आपको वीडियो बना के दूंगी, इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ क्रिएटिंग फॉर्म्स विद कंट्रोल यूजिंग HTML, ठीक है। फॉर्म्स बनाने यहाँ सिखाए गए हैं HTML के थ्रू। तो यहाँ पर अगर HTML फ्रॉम कंट्रोल कॉमनली यूज डैश टैग फॉर टेकिंग फ्रॉम इनपुट, अच्छा इनपुट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है इनपुट टैग, ठीक है जी। अगला सवाल है यहाँ HTML फ्रॉम इज कंटेनिंग इनसाइड टैग, कौन सा इनसाइड के लिए कौन सा टैग यहाँ यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है फ्रॉम टू, फ्रॉम का क्लोज, फ्रॉम का ओपन टैग, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल है आपका यहाँ इनपुट टैग इन HTML सपोर्ट्स डैश एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट यू सपोर्ट करता है, टाइप, नेम, ID, वैल्यू, ये सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इनपुट के लिए अमंग द फॉलोइंग टैग्स डिस्प्ले अ टेक्स्ट फील्ड नेम्ड एड्रेस, कौन सा टैग है जो कि आपके टैग्स डिस्प्ले करता है एक टेक्स्ट फील्ड करने के लिए एड्रेस वगैरह नेम को, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एड्रेस वैल्यू देन ऑटो कंप्लीट देन ऑन, ठीक है, ये टैग किया जाता है इस्तेमाल। अच्छा, इसी तरीके से और टैग्स दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। द डिस्प्ले और डिस्प्ले अ बटन इन HTML फ्रॉम डैश एट्रीब्यूट इज यूज इन द इनपुट टैग, कौन सा बटन एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है आपके बटन HTML फॉर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स यूज़ किया जाता है, इसके साथ ही यहाँ पूछ लिया गया कलर के लिए कौन सा यूज किया जाता है एट्रीब्यूट, कलर ही किया जाता है इस्तेमाल। इसके अलावा डेट के लिए पूछ लिया गया है, डेट के लिए एट्रीब्यूट डेट ही होता है। इसके अलावा डेट एंड टाइम पूछा गया है तो डेट एंड टाइम ही होता है। अगला आपका ईमेल्स के लिए पूछा गया तो ईमेल एट्रीब्यूट ही होता है। अगला है आपका फाइल के लिए इनपुट देने के लिए पूछा गया तो फाइल एट्रीब्यूट ही होता है। इसके अलावा आपका क्रिएट करनी हो फॉर्म HTML में तो हाइड करनी हो कोई भी फील्ड सॉरी तो कौन सा हिडन एट्रीब्यूट ही यूज़ होता है। यहाँ पे कोई इमेज क्रिएट करनी हो, सिलेक्शन टूल देना हो इमेज को सिलेक्ट करने का तो यहाँ पे इमेज एट्रीब्यूट ही होता है। इसके अलावा मंथ सिलेक्शन के लिए मंथ एट्रीब्यूट होता है आपका। अगला सवाल है यहाँ टू क्रिएट नंबर इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन द इनपुट टैग, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है नंबर, ठीक है। टू क्रिएट पासवर्ड इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन द इनपुट टैग, तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड एट्रीब्यूट, सेम वही चीज़ें हैं जो भी नाम आपसे पूछा गया है। एट्रीब्यूट लगभग सारे ही सेम होते हैं, बहुत कम होते हैं जो अलग होते हों, आप इनको एक बार अपनी नज़रों से निकाल लीजिएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ CSS आ गया यहाँ पर, तो CSS की फुल फॉर्म हमने पढ़ा था जैसे कि कैस्केडल स्टाइल शीट होती है, और CSS कंट्रोल करता है HTML डॉक्यूमेंट्स को किसके थ्रू, स्टाइल आपका एब्स्ट्रैक्ट लाइक कलर, साइज, बैकग्राउंड वगैरह, ये सब चीज़ें आप CSS में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, CSS डेफिनेशन आर कंटेनिंग इनसाइड डैश टैग, कौन से टैग्स यूज़ किए जाते हैं CSS के लिए, तो यहाँ ये किए जाते हैं आपके स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग में। अच्छा, CSS में भी डिफाइंड क्या डिफाइन करता है, एट हेडर सेक्शन इन सेपरेट फाइल
और इनलाइन एंड एन एट्रीब्यूट टू अ एचटीएमएल टैग, इन सभी के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब सीएसएस से रिलेटेड ये सवाल है, कुछ पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डीप में जाके हैं ये सारी चीज़ें, तो इतना नहीं है, इतना नहीं आएगा। मोटी मेन मेन चीज़ें पूछी जाती हैं, जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी अप्लाइंग सीएसएस टू एचटीएमएल ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए बस, क्योंकि अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक आप इनको समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी मैं बोलूँगी तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बोलती जाऊँ, है ना। तो आप एक बार सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा इनको नॉर्मली, ठीक है। ओपन सोर्स सीएमएस के बारे में यहाँ बताया गया है, सीएमएस इन वेब कॉन्टेंट स्टैंड्स फॉर, सीएमएस की फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होती है। अच्छा, ओपन सोर्स स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर फॉर विच, तो ये होता है सोर्स कोड इज़ अवेलेबल होता है, जो भी ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, जूमला, वर्डप्रेस, अपाचे, रोलर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है, कौन से पैकेज में आते हैं, ये आपके आते हैं ओपन सोर्स पैकेज में, ठीक है, ये सब ओपन सोर्स हैं आपका। जुमाला के बारे में पूछ लिया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है, ये होती है PHP पे होती है जुमाला आपकी, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस पूछ ली गई है, वर्डप्रेस फाइल्स नीड टू बी कॉपीड टू डैश टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेबसाइट रूट डायरेक्टरी ऑफ द वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर की रूट डायरेक्टरी में आपको वर्ड फाइल कॉपी करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, आगे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह। आफ्टर कॉपिंग वर्डप्रेस द URL इसमें होता है और टैग शुड बी ओपन टू स्टार्ट एंड कन्फिग्रेशन प्रोसेस, कौन सा होता है, wp-admin/install.php, ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हैं आप। अगला है वेब ऑथरिंग टूल्स के बारे में यहाँ बताया गया है, कंपोजर होता है सबसे पहले, कंपोजर इज़ अ टूल ऑफ, कंपोजर क्या होता है, ये होता है जी आपका वेब पेज एडिटिंग के लिए भी होता है, और इसके अलावा ये आप इससे वेब पेज क्रिएशन भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट वर्क कंपोजर स्टॉप्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में बंद कर दिया था, 2010 में कंपोजर बनाना बंद कर दिया था, डेवलपमेंट इसकी कम बंद हो गई थी। अच्छा, फ्रंट जो पेज होता है इज़ अ डैश टूल, कौन सा टूल होता है, वेब पेज क्रिएशन या वेब पेज एडिटिंग, दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, फ्रंट पेज जो टूल होता है। अच्छा, फ्रंट पेज वॉज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डैश पैकेज, ऑफिस का ही पैकेज का एक हिस्सा है फ्रंट पेज सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अच्छा, फ्रंट पेज वॉज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन, कौन सा वर्जन से, 2007 के वर्जन के बाद से इसको बनाना बंद कर दिया गया, ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेब पेजेस से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट MCQ हमने पढ़े हैं, दोबारा वीडियो बन जाएगी अगर आप चाहेंगे कि डीपली दोबारा से आप पढ़ना चाहते हैं वेबसाइट का, हम वैसे थ्योरी वाली वीडियो भी जल्द ही आएगी, आप चिंता ना कीजिए, DRDO का पेपर है इसलिए जल्दी जल्दी आपको MCQs करवाए जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो करवाए जा रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक रिवीजन का वीडियो भी आएगा जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके MCQ के बनते हैं वो सब लेकर आएंगे और उनको हम पढ़ेंगे, तो एग्ज़ाम देने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आपका सपोर्ट दिखता है तो और ज़्यादा अच्छा से काम करने का मन करता है। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा अपनी जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से 11वें चैप्टर के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।